हाय फ्रेंड, मैं अनिशा, आप देख रहे हैं अनिशा कुकिंग। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अनरसा मिठाई की रेसिपी। यह एक मिठाई की रेसिपी है, यह सावन के महीने में अक्सर मिलता है। इसे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी चावल लेकर उसे भिगो के करीब 2 घंटे पंखे के नीचे सुखा लिया है। अगर आप धूप में सुखाएं तो आधा ही घंटा सुखाएं, पंखे के नीचे करीब 2, बस इतना ही हमें सुखाना है। इसका पानी सब दूर हो जाए, बस यह हल्का सा इसमें लेकिन नमी रहना चाहिए। अब मैं इसे मिक्सर के जार में डालकर दरदरा पीस ली हूँ। आप इसे बहुत बारीक ना पीसें, हल्का सा दरदरा ही रहने दें। अब हम इसके लिए पहले चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी, आधा गिलास पानी लेके चाशनी बनाऊँगी। मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। एक उबाल आने पर हम जो चावल का आटा बनाए हैं उसे इसमें डालेंगे। मैंने इसी कटोरी से चावल लिया था और इसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी भी ली हूँ, लगभग आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ली हूँ। मैं चाशनी पकने लगा है, अब मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिलाऊँगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। आप इसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएं। आप जब भी मिलाएं तो इतना हमेशा ध्यान दें, कोई भी चीज़ अगर हम फेंटें तो उसे एक ही दिशा में फेंटें। अगर हम दोनों साइड से फेंटने लगेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। आप देखिए मेरे लम्स ख़त्म होने लगे हैं जो गुठलियाँ पड़ी थी। इसे मैं लगभग 5 से 7 मिनट मध्यम आंच में पकाऊंगी। जब यह गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें मैं 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और 2 चम्मच घी डाल के अच्छे से मिलाऊंगी और इसे हम सूखने तक पकाएंगे। जब यह हमारे आटे की तरह लगभग लगने लगे तो हम इसे उतार लेंगे। अब यह ठंडा कर लिए और इतना हमें जब भी उतारने के बाद ठंडा कर, बहुत ठंडा ना करें, हल्का सा गर्म रहे जितना आपका हाथ सह सके। यहाँ 1 चम्मच में घी डाल के इसे फिर से सानूंगी, इसे आटे की तरह अच्छे से गूँथ लूँ। आप देख सकते हैं गूँथ चुका है, अब यह हल्का हल्का गर्म है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊँगी और उन लोइयों को मैं पूड़ी की तरह बेलूँगी, मगर मैं उसे थोड़ा मोटा ही बनाऊँगी। मैं यहाँ हाथों से ही उसे पूड़ी बनाऊँगी। हमारा अनरसा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा बारीक ना बनाए, थोड़ा सा मोटा ही रहे। हमारा आटा अगर गर्म रहेगा तो हम इसके ऊपर जो तिल लगाएंगे वो आसानी से चिपक जाएगा। अगर आटा ठंडा हो जाएगा तो तिल ऊपर से नहीं चिपकेगा। इस तरह मैं यहाँ पर लोइयाँ बना ले रही हूँ अपने हाथों की मदद से। अगर आपको थोड़ा सा चिपके हाथ में तो हल्का सा घी लगा लें। आप देखिए इस तरह मैं छोटी छोटी पेड़ियाँ बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पर इसी तरह सारा बनाऊँगी। अभी मैं इसे पूरी तरह नहीं दाब रही हूँ, बस मैं इसे हल्का सा चिपटा ही करूँगी। आप इस तरह बना के एक प्लेट में सारा रख लें। अब मैं यहाँ तिल लूँगी, जो बचा हुआ तिल था मैंने यहाँ करीब 150 से 200 ग्राम के बीच तिल लिया था। अब मैं जो पेड़े बनाई हूँ इसी में इसके तिल के ऊपर रख के हल्का सा दाबूँगी जिससे तिल अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद हल्के हाथों से उसे झाड़ दें ताकि जो एक्स्ट्रा तिल हो गिर जाए। इसे इस तरह हम प्लेट में रख लेंगे। इस तरह मैं दूसरी पेड़ियाँ भी बना के दाब रही हूँ इस पर। इसमें तिल आसानी से चिपक जाता है हल्का गर्म होने की वजह से। इस तरह मैं सारे पेड़े बनाऊंगी। आपको तिल लगाते समय ध्यान दें, हल्का सा प्रेशर करके दबाएं ताकि जो तिल रहे वो अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो तिल में जाने के बाद छूटता ही है, तिल अनरसे ऐसे अलग होने लगता है। इस तरह मैं सारा अनरसा बना लूँगी। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखकर तेल पहले से रख दिया गर्म होने के लिए। मेरा तेल गर्म हो रहा है, गर्म हो भी चुका है। अब मैं इसमें अनरसे डालूंगी। मैं अनरसा उतना ही डालूंगी कि ये चिपके ना। आप एक बार में बहुत सा ढेर सारा ना डालें, जितना आपके तेल में आ सके उतना ही डालें और शुरुआत में इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। एक मिनट, उसके बाद आंच तेज कर दें। जब ये पकने लगेगा तो हल्का हल्का फूलने लगता है। एक साइड जब मेरा सीख जाएगा तो मैं उसे हल्का सा पलटूंगी दूसरे साइड। हम इसे हल्के हाथों चलाते रहें एक एक बार बीच बीच में।
इसे पकने में कम से कम 4 से 5 मिनट भी लग सकता है, इसे कम भी टाइम भी लग सकता है। इसे मैं दोनों साइड से पका लूँगी अच्छे से। एक साइड पकने के बाद मैं दूसरी साइड पलट दूँगी और इस तरह मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। आप देख सकते हैं पक चुका है, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। इस तरह आप सारा नाश्ता पका सकते हैं। और मैं उसे तेल से बाहर निकाल लूँगी, एक टिश्यू पेपर पर रख दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए उससे। इस तरह मैं सारा नाश्ता तल लूँगी। देख सकते हैं आप, मेरा पूरा नाश्ता तैयार है। आप देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही है। खाने में भैया बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।